गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 24 फरवरी और मैं हो चुका हूँ ऑफिस के लिए रेडी। तो आज है थोड़ी सी तबीयत डाउन, रात को बहुत तेज़ बुखार हो गया था, मतलब अभी भी है, पता नहीं थोड़ा सा क्या हो रहा है, ऐसी शिवरिंग सी हो रही है, तो देखते हैं क्या होता है अभी। और मैं हो चुका हूँ रेडी, अब ऑफिस जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया। इसलिए मैंने थोड़ी रेसिपी शेयर नहीं की मैंने, इसलिए जो सैलेड है वही मैंने बना लिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। वह सैलेड आपने देखा हुआ है, तो ये मैंने बनाया है सैलेड, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। और दूसरी तरफ मैंने आज बनाया है ये बच्चों के लिए हलवा, तो ये आटे का हलवा है, इसमें किशमिश और बादाम मैंने डाले हुए हैं। और ये मैंने बनाया है जो मलाई होती है ना दूध के ऊपर जो बच जाती है, तो उससे मैंने बनाया हुआ। तो मलाई तो मुझे खानी भी नहीं थी, फिर मैंने कहा वेस्ट भी नहीं करनी है तो मैं क्या करूँ, फिर मुझे इसका घी भी नहीं बनाना था, कौन इतना ताम झाम करे घी बनाए ये करे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे इतना बोलते हैं ये ले आता वो ले आता घास फूस, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज इनके लिए मैं ये ले जाता हूँ हलवा। तो ये मलाई से मैंने बनाया, आई होप उनको पसंद आएगा। तो बस ठीक है, और ये मेरा लंच रेडी है, तो चलो चलते हैं फिर। ठीक है, आपने देख लिया है लंच बॉक्स मेरा, और साथ में मैं हलवे उनके लिए लेके जा रहा हूँ, मलाई से बनाया मैंने, तो आई होप उनको पसंद आएगा, तो फॉर श्योर मुझे लगता है उनको पसंद आएगा। तो चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, ज़्यादा बक बक नहीं करता हूँ क्योंकि तबीयत भी एकदम से ना हो रहा है, एकदम डाउन डाउन सा लग रहा है। चलो चलते हैं फिर, मिलते हैं रास्ते में, बाद में बात करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं शू रख भी मैंने बाहर रखा हुआ है, क्योंकि मैं जो शूज़ डाल के जाता हूँ यही रखता हूँ बाहर, जब बाहर रखता हूँ अंदर लेके जाता है क्योंकि डस्ट हो जाएगा, क्योंकि अंदर मैट भी है इसलिए, तो अच्छी बात है। तो मैं आपको दिखाता हूँ शू रैक, आपने देखा ही हुआ वैसे तो। तो ये मेरे शूज़ हैं, इसके अंदर जिम वाले भी हैं और ये जैसे मार्केट वगैरह जाने के लिए उसके लिए भी हैं, और ये हैं मेरे ऑफिस के शूज़। तो मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ पॉलिश, फिर चलते हैं ऑफिस की ओर। शूज़ डाल दिए हैं, अब मैं जा रहा हूँ नीचे, चलते हैं। काफ़ी बढ़िया है। नमस्ते अंकल, लगता है आज फिर मेट्रो लेट है, इतनी देर से लोग यहाँ पे खड़े हैं। अरे यार मारी। फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ मेट्रो स्टेशन से नीचे, मतलब सेक्टर 59 से नोएडा के, अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। बाकी वीकेंड का अपडेट तो आपको मैंने बताया दिया था, बाकी एक अपडेट और है, भाई ने बोला था कि शायद वो दिवाली पे आएगा, मतलब बहन के साथ। देखो हाँ, वो टिकट बुक कराते कब की कराते हैं, दिवाली से दो दिन पहले या एक दिन पहले, तो जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूँगा। तो चलो ठीक है, आप चलते हैं ऑफिस और मिलते हैं फिर लंच टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय। और रास्ता भी बहुत खराब से लग रही है, चलो बाय। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं लंच पे और जैसे कि आप देख रहे हैं तबीयत बहुत ख़राब है, तबीयत बहुत ख़राब है, घर चल रहे एकदम ऐसे आगे ऐसे पड़ी है ऐसे, तो तबीयत खराब है, कह रहे घर चला जा, कह रहे भी चला जा घर चला जा। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं लंच करने के लिए और मैं लाया हूँ वही सलाद, काम करते हैं ना, और ये लाया है टमाटर की सब्जी। वाह वाह, तुम दिखाओ प्रीति क्या लाई हो, क्या लाई हो ये? अच्छा पत्ता गोभी, खीरा, अच्छा नमक, अरे वाह वाह वाह, ये तो वेरे सब्जी के लिए उसमें होगा कम, तुम डाल लेना उसमें, ठीक है? हाँ तो क्या हो गया, वो भी डाल ले करो। फ्रेंड्स, हम खाते हैं खाना, तो फिर मिलते हैं हम बाद में। ये तो बैग कर देंगे ना आगे पीछे, काला नमक काला पानी की सजा। चलो ठीक है फ्रेंड्स, अब फाइनल खाना खाने में बाद में मिलेंगे, गाजर पनीर वो सलाद देख रहे तो फ्रेंड्स, मैं उतर चुका हूँ मेट्रो स्टेशन से नीचे द्वारका, और फाइनली कल वीकेंड है, और बाकी अपडेट मैंने आपको बता दिए वीकेंड का, और ये भी बता दिया है भाई बहन आएंगे दिवाली पे, कब वो टिकट बुक कराएंगे, टिकट बुक कराएंगे तो वो मुझे बता देंगे और मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा। तो मैं कहा चलो आज थोड़ा सा आपको द्वारका विजिट करवा देते हैं, तो चलो। तो अब मैं जा रहा हूँ घर की ओर, तो पैदल चल के अच्छा लगता है, लगता है कुछ वेट लूज कर लिया ऐसा तो कुछ नहीं होता है इतना, मैं ठीक है, थोड़ा सा कुछ तो फ़र्क पड़ता ही होगा ना, आप मतलब बैठ के बैटरी रिक्शा में जाओ, और बस कुछ नहीं, बाकी फ्रूट्स वगैरह है, बाकी मार्केट वगैरह है,
अब हम आगे जा रहे हैं। वाह, अच्छा फाइनली वीकेंड आ गया, अब अपना एंजॉय करना है। कल फ़ोन किया है मैंने फ्रेंड को, देखो वो क्या मतलब बोलता है अपडेट है, मतलब उसको भी ना फीवर है, अभी उतर गया, कह रहा मेरा फीवर उतर तो गया है, बाकी मैं फाइनल 99% उसका हाँ है, 1% वो बताएगा कल। तो चलो तो फ्रेंड्स ठीक है, अब मैं फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीकेंड का भी मैंने सोच लिया मैंने क्या करना है। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि भाई वो मतलब लेके जाता था हमें फैमिली को, तो वही चीज़ मैंने सोच लिया सैटरडे को, मतलब नेक्स्ट सैटरडे को मुझे करना है मार्च 1 में जो फर्स्ट सैटरडे पड़ेगा, तो देखते हैं क्या होता है। होपफुली वैसा तो प्लान है, उसके बीच में कुछ चेंजेस हुए तो आई डेफिनेटली लेट यू नो। तो चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि फाइनली अब मैं फ्री हो चुका हूँ वो घर वाले चक्कर से कि ये सेट करना वो करना है। चलो ठीक है, बाय बाय।